खरगोन जिले में 262 नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना के लिए शनिवार को शहर की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग आयोजित की गई। इसमें जिले के संपूर्ण रिक्त स्थान नहीं दर्शाने के कारण मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीराम इंगले और मनोहर राठौर ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके चलते काउंसलिंग निरस्त कर दी गई। लक्ष्मीराम इंगले ने बताया कि संगठन ने इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ज्ञापन सौंपकर पोर्टल अपडेट करने का आग्रह किया था, लेकिन अपडेटेशन नहीं होने से जहां पहले ही अधिक शिक्षक है वहां पोर्टल ने रिक्त पद बता दिए और नियुक्त शिक्षकों ने उन विकल्पों को चुन लिया। संघ की आपत्ति पर उनकी पदस्थापना निरस्त की गई है। संगठन ने पारदर्शी काउंसलिंग के लिए फिर ज्ञापन सौंपा है। काउंसलिंग में 300 शिक्षकों की पदस्थापना यथावत रखते हुए शेष 262 शिक्षकों को केवल भगवानपुरा और झिरन्या ब्लॉक के रिक्त स्थानों से चयन करने का विकल्प देकर पदस्थापना कर रहे थे, जिससे टॉपर शिक्षक अपनी मनपसंद शालाओं का विकल्प चुनने से वंचित रह गए। इसकी जानकारी नौ नियुक्त शिक्षकों ने संगठनों को दी। संगठन के इंगले ने सहायक आयुक्त, संभाग आयुक्त एवं सांसद गजेंद्र पटेल से बातचीत करके पारदर्शी काउंसलिंग के लिए इसे स्थगित करके जिले में समस्त रिक्त स्कूलों को 3 दिवस पूर्व सूची जारी करके पुनः काउंसलिंग करने की मांग की है। आज वो प्राथमिक विद्यालयों की उनकी पोस्टिंग की काउंसलिंग थी, जिसमें कि हमारे यहाँ झिन्या और भगवानपुरा ब्लॉक के शिक्षक बीन शाला एवं सिंगल शिक्षक शालाओं की काउंसलिंग की जा रही थी, परंतु शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया कि इसमें सभी ब्लॉकों की लिस्ट होना चाहिए। इस कारण से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से इसके काउंसलिंग को कैंसिल किया गया और आगामी तिथि पर इसको उनको सूचित किया जाएगा और पुनः इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से फिर से काउंसलिंग की जाएगी और उनको सूचित किया जाएगा। शिक्षकों की आपत्ति थी कि झिन्या और भगवानपुरा में ही क्यों उनको भेजा जा रहा है, हमारे नंबर भी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा हैं तो हमको अन्य ब्लॉकों में भी भेजने का होना चाहिए था, इस कारण से उनका विरोध था। मैं एबी गुप्ता, सहायक संचालक एसी टेबल खरगोन। हो रहा है इसको भी आप ऑनलाइन करिए, भले दो ब्लॉक कर रहे हैं पर ऑनलाइन करिए। कितने लोग हैं आप इसे? क्लियर कर दोगे ना भाई अतिशेष में है या नहीं? ऐसा नहीं, उन्होंने पोर्टल पे स्कूल डाली, हमने उसी में से सिलेक्ट किया। पोर्टल पर स्कूल डाली इसका मतलब है कि वहाँ रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है तो हमने डाली, हमने जो चूज करी वही हमें मिला भी जी। लेकिन इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि अतिशेष में और बता सर देखिए कि है ना, सर मेरी एक छोटी 2.5 साल की बेटी है, अभी है ना हम प्रेग्नेंट भी है, डिलीवरी आएगी, झिरनिया के उन जंगलों में कैसे बच्चों को लेके जाएंगे? अभी आप मिले तो क्या कानून हो? वो उनसे बात कर रहे थे, बोले आप अभी चॉइस कर लीजिए, नहीं तो फिर है ना अभी भी सिर्फ दो ब्लॉक में जाना हो तो जा सकते हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि यदि दूसरे में नहीं मिला तो हम आपके नाम के सीधे नियुक्ति आदेश इन्हीं में से दे देंगे, ये भी वो कह रहे हैं।